सपा सांसद का बड़ा बयान, नमाज पर पाबंदी को बताया गलत, सारी मस्जिदें खोलने की उठाई मांग। परसों जुमे के दिन हमने लगभग 3 बजे डीएम संभल तशरीफ लाए थे मेजोरी से, और हमने उनसे उन्हें एक मेमोरेंडम दिया है। इसमें जो लोग हमारे साथ गए थे शहर के, बहरहाल इसमें मौलाना ममनपुर रहमान पक्ष भी थे और मोहम्मद जमाल एडवोकेट साहब थे और दूसरे लोग थे, नरोज थे और ये तौफीक एडवोकेट थे और भी बहुत से लोग शामिल थे उसमें। तो बहरहाल उसमें हमने इस बात की मांग की कि चूँकि बकरीद आ रही है, बकरीद एक ऐसा त्यौहार है कि जिसमें जानवर ज़बह किए जाते हैं, तो उस जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए कोई इंतजाम नहीं है। हम कैसे करेंगे? पहले बाजार लगते थे, बाजारों के अंदर बिकने आते थे तो मुसलमान जाकर खरीदते लाकर और उनकी कुर्बानी करता था। आज भी हम चाहते हैं कि उससे बकरीद से पहले बाजार लगाया जाए ताकि हम वहाँ से जानवर ला सकें, उनकी कुर्बानी कर सकें। और इसके अलावा बहरहाल इसमें इस मौके पर मैं एक मांग ये है कि चूँकि इसमें दोगाना शुक्रिया की नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, तो उसमें मस्जिदें और ईदगाहें खोली जाएं जहाँ पर चूँकि सारा मुसलमान नमाज पढ़ेगा और पूरी एहतियात से पढ़ेंगे। और हमारा ये यकीन है कि ये अल्लाह के दरबार में हम अपनी माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ इसी करुणा के ख़त्म होने के लिए और मुल्क के हालात बेहतर होने के लिए और मुल्क की भलाई के लिए हम लोग दुआ करेंगे और अल्लाह हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है हम पर इस की पाबंदी लगाना कि हम नमाज नहीं पढ़ें। तो सर डीएम साहब ने इस पर क्या आपको आदेश दिए? डीएम साहब ने हमारी पूरी बात सुनी भी, लिखा हुआ भी दिया और पूरी बात मैंने अपनी कही जैसे आपको बताया, और तो उन्होंने यही कहा कि अच्छा हम इसको देखेंगे, अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है। तो इसमें मैंने उनसे भी कहा कि आप भी हमारी सिफारिश कीजिए। तो मस्जिद में 5-5 लोगों की तो इजाज़त दे रखी है गवर्नमेंट? तो 5 लोगों से थोड़ी नमाज हो जाएगी, नमाज तो सारा मुसलमान पढ़ेगा, सारे मुसलमान को नमाज पढ़वाइए जब ये मुल्क बचेगा। ईदगाह में या मस्जिद में? ईदगाह की नमाज दुआ करेगा जब इतना मुसलमान गिड़गिड़ा कर अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी चाहेगा और अल्लाह से कहेगा अल्लाह को हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, हम सब तेरे बंदे हैं, लिहाजा हमें इससे कोरोना से निजात दे दे तू, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी इस भीड़ से नुकसान नहीं होगा बल्कि अल्लाह की रहमत नाजिल होगी।